Hello everyone, today we are going to start our new chapter, bending stresses in beams. तो सबसे पहले देखते हैं bending stress होता क्या. As you know, when some load यानी कि when some external load acts on a beam, यानी कि लोड होगा तो लोड की वजह से क्या, व्हेन सम एक्सटर्नल लोड एक्ट्स ऑन अ बीम, शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड. ठीक है, व्हेन ए लोड एक्ट्स ऑन अ बीम, इधर मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, ऑन अ बीम शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर प्रोड्यूस्ड. अब शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या होगा, बीम में डिफॉर्मेशन होगी. डिफॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा. ठीक है, अब स्ट्रेस आगे दो टाइप का हो गया, डायरेक्ट और बेंडिंग. डायरेक्ट स्ट्रेस शेयर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस होगा वो होगा डायरेक्ट स्ट्रेस, और बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग मूवमेंट से जो स्ट्रेस होगा वो होगा बेंडिंग स्ट्रेस. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो जब भी बीम पे लोड एक्ट करेगा, लोड की वजह से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगी. बेंडिंग इन दोनों की वजह से क्या होगी, डिफॉर्मेशन होगी. डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेस होगा. स्ट्रेस हो गया डायरेक्ट, जो आप पढ़ चुके हो सिग्मा पी बाई ए. ठीक है, इसके बारे में पढ़ चुके हो. और बेंडिंग स्ट्रेस इज़ ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट की वजह से होता है बेंडिंग स्ट्रेस. इस चैप्टर में आपने बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो ये इस चैप्टर का बेस है. यू विल स्टडी अबाउट बेंडिंग स्ट्रेसेस. ठीक है, आगे हम देखते हैं थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग. थ्योरी सिंपल बेंडिंग पढ़नी है. इसमें क्या पढ़ना है हमने, जैसे मान लो कोई बीम है, कंसिडर ए बीम. ठीक है, सेक्शन ऑफ ए बीम. ठीक है, इसमें ये बीम का कोई पोर्शन ले लिया हमने. ठीक है, इसमें एक सेक्शन ले ली ए बी सी डी. ठीक है, ए बी सी एंड डी. ठीक है, ये इसका आ गया सेंटर. ठीक है, तो लेट इट बी सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट एम. ऐसी होती है बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इज ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस इज ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, लोड इनटू डिस्टेंस. अब मुझे बताइए इसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बीम के ऊपर. बीम विल कर्व लाइक दिस. इसको नाम रख लो, जो सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, ये ऐसे हो जाएगा ना. ठीक है, ए सी ए बी सी डी है ना, ये आएगा एन एन डैश. ठीक है, अब देखो क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर, कि ये जो एक सेंटर वाली लेयर है, इस लेयर के ऊपर जितनी भी, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, ऊपर की तरफ कंप्रेशन हो रही है और नीचे की तरफ एक्सटेंशन हो रही है, यानी कि टेंशन क्रिएट हो रही है. ठीक है, मतलब ये बीम थी सेंटर, ये सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहा है एक एक्सिस, और जब इसको हमने बेंडिंग मोमेंट अप्लाई की तो क्या हो गया, अपर पोर्शन जो है उसमें, अपर पोर्शन में कंप्रेशन हो गई, लोअर पोर्शन में टेंशन आ गया. ठीक है, तो व्हाट अबाउट द सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन पे क्या होगा, ना ही कंप्रेशन ना ही टेंशन. ठीक है, कैसे, ये देखो कंप्रेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी टॉप पर, और देखो सबसे ज़्यादा बेंडिंग इधर ही है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग यहाँ पे,
कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ पे कि ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ से इंक्रीज़ क्या हो रहा है, टेंशन, टेंशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, सबसे ज़्यादा टेंशन इस लेयर पे होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन इस लेयर पे हो रहा है, इस फाइबर पे, लेयर बोलो या फाइबर बोलो, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन इस पे, सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन इस पे, ठीक है। तो अपर लेयर इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन एंड लोअर लेयर इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। किसके रेफरेंस में ले रहे हैं हम, ये जो सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस पे ना कंप्रेशन होगी ना टेंशन होगी। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो प्लस है, मतलब यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, लोड का साइन चेंज हो रहा है, कंप्रेशन टेंशन, टेंशन कंप्रेशन, ठीक है। जैसे प्लस वन है अगर मान लो, तो प्लस वन से आप माइनस वन तो नहीं जा सकते, बीच में ज़ीरो तो आता ही है, ठीक है, तो ये ज़ीरो वही है। तो यहाँ पर ना टेंशन है ना कंप्रेशन है, ये लेयर कैसी है, ना टेंशन ना कंप्रेशन। आपको बेशक यहाँ बेंडिंग दिख रही होगी थोड़ी सी, बट इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, ना ही कंप्रेशन ना ही, क्योंकि यहाँ पर लोड जो है साइन चेंज कर रहा है, ठीक है ना, जो इस पर लोड पड़ा है कंप्रेशन या कंप्रेशन से टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो जो है लोड की जो वैल्यू है चेंज हो रही है, कंप्रेशन से टेंशन हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूट्रल एक्सिस, एन ए से लिखते हैं इसको। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, ना टेंशन ना कंप्रेशन, इसके ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो ये आ गया न्यूट्रल एक्सिस का कंसेप्ट, ठीक है। अब मान लो जैसे एक स्टडी करते हैं हम इसको, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, जस्ट अ मिनट, यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। अब फिर से कंसीडर करो एक पोर्शन ऑफ बीम, सीधा ये आ गया, अब इसका समझ गया आप, ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस। एक मिनट, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सेक्शन ले लो ए बी सी डी, ठीक है, ये आ गया न्यूट्रल एक्सिस एन एन, ओके। अब इस पर हम जब मोमेंट लगाएंगे एम, मोमेंट लगेगी इस पर एम, तो इसकी शेप हो जाएगी इस टाइप से। हम इसको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, एक लेयर कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए लेयर, ठीक है, ये फाइबर कुछ भी ना रख लो, ए बी सी डी ई एफ रख लो इसको ना, ठीक है। तो अभी इसको स्टडी करना है लेयर को ना हमने, तो अब ये इसकी शेप बन जाएगी ऐसे, देखो न्यूट्रल एक्सिस तो वहीं रहेगा ना जहाँ पर ना कंप्रेशन है ना ही टेंशन है, ये आ गया न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और ये आ गया न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये आ गई लेयर्स, इधर भी आप डैश कर सकते हो क्योंकि ये चेंज्ड फॉर्म है ना इसके, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, ठीक है। तो ये लेयर आ जाएगी ऐसे। अच्छा, लेयर कंसीडर कहाँ करनी है, एट अ डिस्टेंस वाई, ये भी आप यहाँ पर नोट कर लो, लेयर कंसीडर करनी है एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जिसके हम जिसको एनालाइज कर रहे हैं लेयर को, ठीक है। तो लेयर ऐसे हो जाएगी, दिस विल बी ई डैश एफ डैश, ठीक है। अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करो तो ये किसी पॉइंट पे आके मिलेगी ना, ये कर्व हो गया ना ये, तो ये मान लो एंगल थीटा, रेडियस ऑफ क्रिवेचर मान लो क्या है, और
रेडियस एक्चुअल कहाँ से होगा, सेंटर से होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा ना, दिस इज रेडियस ऑफ क्रिवेचर, थीटा आ गया। और कुछ टर्म्स इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। एम आ गई मूवमेंट, ठीक है मैं यहीं ले लेता हूँ, एम आ गई मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बीम, ठीक है ना। डेरिवेशन नहीं करनी है आपने, इक्वेशन याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, किससे, बाय द आर्क, आर्क ही है ना इसके, ये एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ क्रिवेचर, ये मैंने बता दिया आपको, रेडियस ऑफ क्रिवेचर, ठीक है। वाई मैंने बता दिया आपको, डिस्टेंस ऑफ लेयर हमने कंसीडर की है जो ई एफ, ठीक है। अब लास्ट में एक, इसकी काफ़ी लंबी डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन आपने करनी नहीं है, मैं आपको जो इसका फाइनल रिलेशन है वो आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें जो इक्वेशन आती है लास्ट में, सिग्मा, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस है ना, सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू एम अपॉन आई। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से आप बेसिकली अगर न्यूमेरिकली करने तो इसी से आपके न्यूमेरिकल निकलेंगे, ठीक है। सिग्मा भी आपको पता लगे, बेंडिंग स्ट्रेस, वाई आगे लेयर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द लेयर जो कंसीडर की हमने, ई आगे यंग्स मॉडुलस, आर रेडियस ऑफ क्रिवेचर, एम इज द मूवमेंट एक्टिंग, और आई आगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मूवमेंट इनर्शिया आपको पता है क्या क्या होता है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।